बाबा इतना चमत्कारी है तो बोलो ना बॉर्डर पर चाइना में जाकर के सब आर्मी को हटा दे और फिर फाड़ में बाबा बाबा चोर चिल्लर के फिर बोले तो अगर बागेश्वर बाबा जो हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। लोग एयरपोर्ट पर घेराव में कर रहे हैं काम करूंगा अगर बागेश्वर बाबा आएंगे। हिंदू धर्म में बहुत सी जयचंद्रों का दुर्ग हुआ करता है ना, ये जयचंद्र है वो स्वयं ईश्वरों से दंडित करेंगे, रामचंद्र जयचंद्रों को दंडित करेंगे। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर जो हैं और वो 13 मई 2023 को बिहार जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं कथा कहने के लिए। लेकिन अब इस बात पे एक बार फिर से सियासी घमासान शुरू हो चुका है। जी हाँ, तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के जो बेटे हैं वो बाबा बागेश्वर को एयरपोर्ट पर घिराव करने के लिए बोले हुए हैं। मित्रों, इस बात से काफ़ी लोग नाराज़ भी हैं और कुछ लोग उनके जो पक्ष में हैं वो खुश भी हैं कि बाबा बागेश्वर के लिए इस तरह से उन्होंने शब्द जो बोला। मित्रों, आप सभी को मैं बता दूं कि इस बात से खफा हुए हैं जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के गुरु कहे जाते हैं, वो जगत गुरु जी महाराज उनसे खफा हैं और उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र जाएंगे और अपनी कथा भी कहेंगे, उनके भक्त वहां पे भी हैं और किसी की औकात नहीं है जो मेरे शिष्य का सामना कर सके। हालांकि इस बात का मैं कोई प्रमाण नहीं दे सकता हूं आपको, लेकिन सुनने में आ रहा है कि जगत गुरु जी महाराज कुछ इसी तरह से बयान दिए हुए हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो सही बात है कि चूंकि एक कथा कहने वाले के लिए और एक साधु संत महात्माओं के लिए ऐसी जो है बातें करनी वो शोभनीय नहीं है मेरे हिसाब से। आप सभी भी अपनी राय जरूर बताएं कमेंट में। जय श्री राम, जय बाबा बागेश्वर धाम।